हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आलोक कुमार, मेरी यूट्यूब चैनल पिको इलेक्ट्रोमोटिव को आपको स्वागत करता हूँ। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है 32 इंच एलईडी टीवी का है। आज मेरे पास एक का 32 इंच का एलईडी टीवी आया है। इसमें क्या है कि वो डेड है, अभी मैं सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब सिस्टम पूरा डेड है। देखिए अभी मैं उसका पीछे का कवर निकाल लिया हूँ, देखिए ये वाला पावर सप्लाई करके पूरे, अभी पावर सप्लाई सेक्शन देखेंगे। देखिए हमको नज़र आ रहा है कि ये वाला भारिस्टर से फटा हुआ है। हर चेक स्टेप बाई स्टेप चेक करके देखेंगे। पॉइंट टू, देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। ये पावर सप्लाई का सेक्शन है, पावर सप्लाई सेक्शन है। ये वाला मॉस्फेट है, भारिस्टर लगा हुआ, ये वाला फिल्टर लगा हुआ, ये वाला रेक्टिफायर, ये वाला जो भारिस्टर है वो तो फटा हुआ है, इसी वजह से वो पैरेलल में कनेक्शन होता है, फेस टू न्यूट्रल में कनेक्शन होता है। ये वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन का भी यूज होता है पावर सप्लाई में, वो फटा हुआ है। पहले तो हम उसको रिप्लेस करके देखेंगे, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट फंक्शन आपको बताएंगे। देखिए मैं चेक करके बता रहा हूँ, उसके भारिस्टर का पीछे पावर सप्लाई में फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज को मैं कंटिन्यू में रख के मीटर को टेस्ट करूँगा, कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। देखिए अभी वाला वो वाला भारिस्टर है, वो वाला भारिस्टर को हम निकालेंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। देखिए मैं उसको निकाल रहा हूँ, देखिए वाला वायरिस्टर को मैं निकाल रहा हूँ। वो डायरेक्टली फेस टू न्यूट्रल कनेक्शन होता है, क्योंकि वो रहेगा तो यानी हाई वोल्टेज जब इनपुट करेगा पावर सप्लाई में तो कोई पहले वो उड़ जाएगा, आगे का कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा हमारा। देखिए मैं उसको निकाल रहा हूँ, अच्छी तरह से निकल रहा है। उसके बाद पीछे वाला वो जो फ्यूज था उसको भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि फ्यूज भी बम हो गया है। फ्यूज और वायरिस्टर उसको रिप्लेस करके बोर्ड में लगाएंगे, उसके बाद सब असेंबली करके कनेक्शन, उसके बाद सप्लाई देके देखेंगे हमारा पावर सप्लाई ओके हुआ है या नहीं हुआ है। ज़्यादा तो कुछ फॉल्ट नहीं हुआ है क्योंकि वायरिस्टर उड़ गया है। अगर वायरिस्टर नहीं होता तो आगे का सर्किट कोई मॉस्फेट वगैरह कोई उड़ जाता क्योंकि आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए मॉस्फेट उड़ जाएगा तो वो नहीं मिलेगा। और कोई कोई बंदा होता है कि इधर मॉड्यूल लगा लेते हैं, मॉड्यूल लगाना ठीक नहीं है क्योंकि उनका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, अभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और सेम चीज़ लगाना चाहिए, जो भी लगा हुआ है जितना एम्पीयर का उसको जगह में। हेलो, अभी मैं लगा रहा हूँ, मतलब बोर्ड को लगा रहा हूँ, दूसरे पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लिया है, अभी उसका उसको टाइट कर रहा हूँ अच्छी तरह से। हम लोग जिसमें भी कनेक्टर लगा हुआ है उसको असेंबली करेंगे, असेंबल करने के बाद उसको सप्लाई देके देखेंगे हमारा सिस्टम ऑन होता है या नहीं होता है। पहले आगे का सेंसर का कनेक्शन खुल गया है, लगा लिया है। उसके बाद जो साइड में लगा हुआ है उसका स्पीकर का कनेक्शन, स्पीकर का कनेक्शन भी देखेंगे, स्पीकर का कनेक्शन दे देंगे, स्पीकर का कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये वाला जो कीपैड का कनेक्शन है आगे वाला लगा हुआ है, इसको एलईडी डैश कनेक्शन, एलईडी डैश का केबल का कनेक्शन अच्छी तरह से करना है केयरफुली। और ये वाला कीपैड का कनेक्शन है उसको भी लगा दिया है। फिर अभी सप्लाई देके देखेंगे हमारा डिस्प्ले, हमारा पावर एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, पावर एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी सप्लाई देने के बाद पता चलेगा। मैं अच्छी तरह से उसको ड्रेसिंग कर रहा हूँ, उसको जो भी साइड में रहना चाहिए उसको रखने के लिए पावर सप्लाई का कनेक्शन लगा लिया है, अभी सब प्रॉपरली लगा हुआ है। अभी फिलहाल सब कनेक्शन देने अभी सप्लाई दे रहा हूँ, अभी सप्लाई देने के बाद पता चलेगा हमारा मशीन ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी फिलहाल तो देखिए हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है, देखिए एलईडी ग्लो हो रहा है।
मतलब हमारा पावर सप्लाई ओके हो गया है। चलो अभी देखो तो हमारा देखो सिस्टम टीवी ओके देखो हो गया देखो है, अभी डायरेक्ट लगा के देखो देखेंगे देखो पावर हमारा सप्लाई सिस्टम सही होना चाहिए। ओके हुआ है और डिस्प्ले में कोई कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। पावर सप्लाई आता है ना। हम भी देखेंगे, दे दिया है, देखेंगे उसको स्टैंड बाई रिलीज करके। अभी स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ मैं। स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद हमारा डिस्प्ले में बैकलाइट जब जलेगा डिस्प्ले में तो ग्राफिक्स दिखाना शुरू होगा। अभी फिलहाल देखिए इंटेक्स का लोगो आ गया है, मतलब हमारा सिस्टम पूरा ओके हो गया है। देखिए अभी ग्रीन का बैकग्राउंड आ गया है, ये भी इस आ गया है। कुछ कोई फॉल्ट नहीं था, सिर्फ वैरिस्टर उड़ गया था और फ्यूज भी लो हो गया था, इसको रिप्लेस कर लिया। प्रीवियस में मैं तो सीरीज में दिया था, अभी डायरेक्ट लगाऊंगा। डायरेक्ट लगाने के बाद पता चलेगा। अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन दे दूँगा। अभी देखिए अभी लो इंटेक्स का लोगो कम्प्लीटली आ गया है, टीवी ओके हो गया हमारा। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।